हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल आईक्यू रैंकर में आपका स्वागत है। ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन की सीरीज में जो पिछले फेज 1, 2 एंड 3 में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से जितने भी सारे क्वेश्चन जो संतुलित करने वाले हैं, सारे के सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और यही क्वेश्चन बार बार क्या हो रहे हैं, आपके रिपीट हो रहे हैं, आप देखने के लिए मिला होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ था कि संतुलित करना है, ये कोई दिया हुआ है, इसको संतुलित करना है। यहाँ पर फेरस सल्फेट Fe2SO4 दिया हुआ है और इसको संतुलित हम लोग को करना था। इसको जब आप संतुलित कीजिएगा तो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा आपका क्या, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे Fe2O3, SO2 और SO3 दिया हुआ था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Fe2 यहाँ पे दो को फेरस है, इस जगह पे फेरस पे यहाँ पे दो आगे में आ जाएगा। और यहाँ पे सल्फर दिखेगा, टोटल काउंट कीजिएगा, 3 सल्फर है और 12 ऑक्सीजन है। यहाँ दिखेगा 2 ऑक्सीजन और 1 सल्फर हो गया। और इसमें अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे सल्फर की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 सल्फर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे, 2 सल्फर, यानी टोटल 3 सल्फर हो गया। और 3 × 2 = 6, 2 = 8 और 8 × 4 = 12 ऑक्सीजन भी हो गया। तो ये हमारा था समीकरण को संतुलित। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि यही एक समीकरण दिया हुआ था Fe2 और यहाँ पे SO4 और यहाँ पे Fe2O और यहाँ पे दिया SO3, इसको बैलेंस करना था। इसको जब बैलेंस कीजिएगा तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना होता और इस जगह SO3 से 40 से मल्टीप्लाई करना होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन है हमारा कि खाने का सोडा जो है इसको संतुलित करना है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे H2O है, यहाँ पे NH3 है और यहाँ पे NaCl, और इधर बन गया क्या मेरा सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 और अमोनियम क्लोराइड, ये सारे के सारे ही हो गए। ये हमारा क्या था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था ब्लीचिंग पाउडर से रिलेटेड, ब्लीचिंग पाउडर बनाने का जो है सही रासायनिक समीकरण क्या है। आपको मालूम होना चाहिए बुझा हुआ जो चूना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, इसको जब हम रिएक्शन क्लोरीन के साथ जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लोरीन के साथ यहाँ पे Cl2 होना चाहिए था, Cl2 के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो CaOCl2 और साथ ही में यहाँ पे वाटर यहाँ से बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है क्लोर क्षार अभिक्रिया, ये अभी तक ना कुछ तो 3 से 4 बार ये रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन को लेकर के बात किया जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है हमारा कि क्लोर क्षार जो अभिक्रिया है इससे रिलेटेड क्या प्रक्रिया है। इसमें पूरा याद रखिएगा कहाँ पे क्या, NaCl यहाँ पे दिया हुआ, NaCl किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया। ये सारे H2O क्या है, लिक्विड के फॉर्म में है। NaOH क्या है, यहाँ पे एक्वस के फॉर्म में, क्लोरीन यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है H2OH, यानी क्लोर क्षार रिएक्शन क्या होता है कि क्लोर में क्या होता है, क्लोर में क्लोरीन छिपा हुआ है तो क्लोरीन आपका निकलेगा प्रोडक्ट के फॉर्म में, और अल्कली यहाँ पे क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये हमारा क्या प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, क्लोर क्षार रिएक्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि Fe2O3 यहाँ पे गिवन था और यहाँ पे अल्मोनियम दिया हुआ था, तो बाद में ये रिएक्शन फॉर्म होकर के कुछ ऐसा Al2O3 और Fe दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें किसका अपचयन हो रहा है और किसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था और किसका अपचयन, जिसको रिडक्शन बोलते हैं, हो रहा है। तो हमको मालूम है ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें यानी एडिशन हो रहा है। तो यहाँ देखिएगा एल्युमिनियम को लेकर के जब बात करेगा तो एल्युमिनियम से मेरा क्या बन गया, Al2O3 बन रहा है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है कि एल्युमिनियम में क्या हो गया, पहले सिर्फ और सिर्फ अकेला एल्युमिनियम था और यहाँ पे Al2O3 हो गया, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन का ऐड हो गया है। तो किस में, एल्युमिनियम में, तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, एल्युमिनियम का यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और ये जो ऑक्सीजन जो निकला है किसका, यानी कि ऑक्सीजन, आपको मालूम होगा जो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको रिडक्शन बोलते हैं।
अब Fe3 से जो है सिर्फ और सिर्फ फेरस बच गया। यहाँ से पहले Fe2O3 में क्या था, ऑक्सीजन था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फेरस अब रह गया। तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया, बाहर निकल गया। इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन हो रहा है इसका। तो इसमें क्या Fe2O3 का क्या होगा, अपचेन हो रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि जब इथेनॉल को सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। इथेनॉल जब सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे C2H5ONa और यहाँ पे H2 फॉर्म होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका गिवन है कि मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड जो है इसका रिएक्शन HCl के साथ करेंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, यानी H2O और यहाँ पे MgCl2 तो फॉर्मेशन हुआ ही है। तो यह पूछ रहा है यह कैसी अभिक्रिया है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर हम अभिक्रिया को लेकर के बात करें, आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी धात्विक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, वो हमारा बेस की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह, बेस की तरह, जिसको क्षार कहते हैं। और HCl मेरा क्या, एसिड है। जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि जल और यहाँ पे क्या MgCl क्या होता है, यानी नमक का फॉर्मेशन होता है। ये कैसी अभिक्रिया है, जब भी जल और नमक का फॉर्मेशन होता है तो ये हमारी अभिक्रिया है, हमारी कौन सी, तो ये हमारी है उदासनीकरण अभिक्रिया, उदासनीकरण ये अभिक्रिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि Fe2O3 है और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ है और यहाँ से रिएक्शन Fe+CO2, इसमें पूछा गया किसका अपचयन हो रहा है। अपचयन आप किसको जानते हैं कि जिससे, यानी कि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, जिससे ऑक्सीजन बाहर निकलता है उसका अपचयन होता है। यहाँ पे देखिएगा कि Fe2O3 से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फेरस बच गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इसका क्या हो गया, रिमूव हो गया, यहाँ से हट गया है। इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो गया, सॉरी रिडक्शन हुआ है, अपचयन, ये Fe2O3 का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि इथेनॉल जो है, इथेनॉल क्या फॉर्मेशन हो रहा है, इथेनॉल को इथेनोइक जो अम्ल में परिवर्तन जो होता है यह कैसी अभिक्रिया है। इथेनॉल की बात करें, इथेनॉल में सिर्फ और सिर्फ OH आपका होता है, जबकि इथेनोइक अम्ल की बात किया जाए इसका जो है C OH होता है। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन ज़्यादा दिख रहा है, डैट मीन्स कि ये कैसे अभिक्रिया, एक ऑक्सीजन आकर के यहाँ पे आ गया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिंक ऑक्साइड ZnO+ कार्बन जो है इसके साथ जब अभिक्रिया करता है तो जिंक और प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। पूछा गया है कि इसमें किसका अपचयन हो रहा है। अपचयन को लेकर के बात किया जाए तो जिंक ऑक्साइड जो है, जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे Ag दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ P करके दिया हुआ था ब्रैकेट में, और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पे Ag फिर Q दिया हुआ है, और यहाँ पे NaNO3 यहाँ पे दिया गया था। P और Q क्या होगा इसके बारे में जानना था। आपको मालूम होना चाहिए ये जो रिएक्शन कुछ इस प्रकार, AgNO3, NaCl, AgCl और प्लस में NaNO3, ये कैसी अभिक्रिया अगर आपसे पूछा जाए तो ये हमारा हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे P के जगह पे क्या NO3 हो गया और Q के जगह पे क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था क्या, कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है, क्या कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है हमारा, इससे रिलेटेड पूछा, इसको जब X जो है, X कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ X के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर और साथ ही साथ यहाँ पे क्या जल बनता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो X है ये क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्लोरीन आ रहा है तो X किसके साथ अभिक्रिया होता है, तो क्लोरीन के साथ यहाँ पे क्या होता है, अभिक्रिया होता है। तो ये क्वेश्चन है X के जगह पे क्लोरीन। अगला क्वेश्चन दिया कि CaCO3 को जब हम हीट करते हैं, तो CaCO3 को जब हम हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। यह कैसी अभिक्रिया है, यह होती है हमारी ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसको बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए किस गैस के साथ क्या होता है, अभिक्रिया की जाती है। तो आपको मालूम होना चाहिए, अभी जस्ट ऊपर में एक रिएक्शन देखे हुए थे कि ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए कौन सी गैस की अभिक्रिया, क्लोरीन गैस की अभिक्रिया की जाती है इसके साथ। अगला क्वेश्चन दिया, Zn+ में ऑक्सीजन दिया हुआ है
और साथ ही साथ जेड एन ओ। ये पूछा गया कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखा जाए तो यहाँ पे दो तरह की अभिक्रिया ये हो सकती है, एक संयोजन अभिक्रिया भी हो जाएगी और दूसरा एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो जाएगा, जिसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है पोटेशियम जो आयोडाइड होता है, पोटेशियम आयोडाइड, इसका जब हम रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते हैं, किसके साथ, क्लोरीन के साथ जब हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, ये बनता है। यह कैसी अभिक्रिया है, तो यहाँ पे जब इस रिएक्शन को देखते हैं तो पोटेशियम आयोडाइड पहले था, यहाँ पे क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा तो पोटेशियम क्लोराइड और यहाँ पे आयोडीन बन गया है। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया है, ये हमारी विस्थापन अभिक्रिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ये मीथेन का जब हम रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, मीथेन का रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड साथ ही साथ यहाँ पे क्या बन जा रहा है, वाटर बन जा रहा है। तो ये कैसी अभिक्रिया है, इसको बोलते हैं हम कौन सा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि लेड नाइट्रेट है इसको गर्म करने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर NO2 साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस हमारा क्या होता है, बाहर निकलती है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रबल अम्ल बोलते स्ट्रॉन्ग एसिड और प्रबल क्षार जो होता है, प्रबल क्षार हमारा कौन सा, स्ट्रॉन्ग बेस, इसका जब हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे क्या pH 7, एक ऑप्शन में ये दिया हुआ था pH 7 को लेकर के। आपको मालूम होना चाहिए एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और साथ ही साथ क्या बनता है, वाटर बनता है। और वाटर का आपको मालूम है कि वाटर का pH मान कितना होता है, 7 होता है। तो यही रिएक्शन हो जाएगा, तो यही हमारा उस क्वेश्चन में क्या होता है, यही अभिक्रिया सही थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन जो होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन कौन सी गैस बनाती है। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के यहाँ से देखिएगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि सोडियम सल्फेट जो है, सोडियम सल्फेट और साथ में क्या, बेरियम क्लोराइड, और यहाँ से जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट और इधर सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे देखिएगा कि ये सल्फेट जो होता है, ये सल्फेट किस में चला गया, बेरियम के पास चला गया है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं दूसरा, ये जो बेरियम क्लोराइड है ये हमारे किस में, सोडियम में चला गया है। यहाँ से देखिएगा हर दोनों के आयन का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं कौन सा अभिक्रिया, ये हमारा हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसको हम क्या कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिंक ऑक्साइड का जब हम रिएक्शन किसके साथ करते हैं, कार्बन के साथ करते हैं, तो जिंक प्लस में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इसमें पूछा जा रहा है इसमें किसका अपचयन हो रहा है और किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ये क्वेश्चन यहाँ से क्या हो रहा है, पूछा गया है। इस क्वेश्चन में अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, मेरा जिंक ऑक्साइड का यहाँ से जिंक में फॉर्मेशन, एक ऑक्सीजन जो था वो रिमूव हो गया, तो इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। और कार्बन में एक ऑक्सीजन क्या होता है, बढ़ गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो गया, यहाँ पे कार्बन का यहाँ पे ऑक्सीकरण हो गया। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है क्या क्या होता है जब जिंक जो होता है, क्या होता है जब जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ, जिंक क्या होता है, अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पे देखिएगा तो जिंक जब कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर बन जा रहा है। अगर ये अभिक्रिया पूछा जाए तो ये कौन सी अभिक्रिया, ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया है, या तो हमारा क्या फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट का क्या होता है, निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब फेरस का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ करते हैं तो फेरस सल्फेट और साथ ही साथ कॉपर का फॉर्मेशन, ये कैसी अभिक्रिया है, तो ये मेरा प्रतिस्थापन या फिर इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर इसी को बोलते हैं क्या, विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन दिया है कि हाइड्रोजन का जब हम रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कर रहे हैं HBr का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको हमको संतुलित करना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारा क्या हो जाए, H2 प्लस में Br2, यहाँ पे दो मोल यहाँ पे क्या ले लेंगे, HBr का ले लेंगे, तो ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है सल्फर डाइऑक्साइड जो है, सल्फर डाइऑक्साइड का जब हम रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर चलते हैं तो 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है सल्फर डाइऑक्साइड का जब हम रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 का फॉर्मेशन, इसमें बोल रहा है कि कौन ऑक्सीकारक एजेंट है। ऑक्सीकारक एजेंट अगर बात किया जाए तो कौन सी होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन जो हमारा क्या होता है, ऑक्सीकारक एजेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन AgBr का जब हम रिएक्शन होता है तो यहाँ पे Ag और यहाँ पे Br का फॉर्मेशन होता है, यह कैसी अभिक्रिया, इसको बोलते हैं फोटोरासायनिक अवघटन अभिक्रिया, फोटोरासायनिक अवघटन
अभिक्रिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो 29 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है एग्जाम में, क्वेश्चन ये है कि MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ ही साथ यहाँ पे HCl, इसके साथ यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है तो MnCl2 H2O और साथ ही साथ क्लोरीन में किसका अपचयन हो रहा है ये पूछा जाए। अपचयन की बात करें कि जिससे यह हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे MnO2 की यहाँ पे बात कर लेते हैं, MnO2 में तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पे MnCl2 फॉर्मेशन हो गया। तो किसका अपचयन हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 30 नंबर क्वेश्चन कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए कौन सी विधि का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो हीट एंड ट्रायल जो मेथड होता है, इसी मेथड का हम लोग यूज करते हैं रासायनिक अभिक्रिया को क्या करने के लिए, संतुलित करने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 31 जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ दिया है कि जिंक ऑक्साइड का जब हम रिएक्शन किसके साथ, कार्बन के साथ करते हैं, तो जिंक प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। क्वेश्चन पूछा गया किसका ऑक्सीकरण और अपचयन हुआ। यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, एक ऑक्सीजन बाहर निकल जा रहा है, तो जिंक ऑक्साइड का मेरा क्या हो गया, अपचयन हो गया। कार्बन की बात करते, कार्बन मेरा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में फॉर्म हो गया, तो कार्बन का क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कार्बन का ऑक्सीकरण हो जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्वेश्चन ये है मैग्नीशियम का जब हम रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कर रहे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, यह कैसी अभिक्रिया है, इसको बोलते हैं संयोजी अभिक्रिया या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसी को बोलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि कॉपर ऑक्साइड इसका जब हम रिएक्शन H2S के साथ कर रहे हैं तो CuS और H2O का फॉर्मेशन हो, यह कैसी अभिक्रिया है, तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका ऑक्सीजन देखिएगा तो यहाँ पे चला गया और इसका सल्फर मेरा कॉपर के साथ मिल गया है, तो इसको हम कैसी अभिक्रिया बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं कौन सा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, ये पूछा गया है कैल्शियम जो है हाइड्रोक्साइड को हवा में खुला छोड़ने पर क्या होगा। जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हवा में खुला छोड़ दीजिएगा, तो हवा में आपको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है, इसके साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन, साथ ही साथ वाटर का फॉर्मेशन होता है, तो आंसर क्या, ऑप्शन जो वहाँ दिया हुआ था, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे अभी तक, जितने भी सारे के सारे क्वेश्चन फेज 1, 2, 3 में पूछे गए हैं रासायनिक अभिक्रिया और संतुलन से, ये थे। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो और भी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय।